Sessions. One of the mediums is our YouTube channel that you all are well versed with. It is NCERT official. In case if you are watching this particular live telecast on Evidya channel number nine, then you can always share your queries with us by contacting us on this contact number flashing on your screens. So feel free to give us a call at 8800440559. And in case of any doubts, queries or questions, you can also write to us at the specific mail ID for class 9 students. It's a dth.class9 at the rate ciet.nic.in. So you must be willing to know what are we going to discuss. Well, it's a session of science for all class 9 students. And the topic of discussion would be the fundamental unit of life, the basic unit of life and how are we going to understand it. So providing us more guidance into the conversation, we also have a guest in the studio. So I'll be introducing you to Professor Krishnakumar Sharma, sir. Namaskar, sir. Namaste, Sumaranji, Namaste. Sir, Thank you. Sir, as a former Vice-Chancellor at Maharishi Dayanand Saraswati University from Ajmer, I would also like to apprise our viewers about a very special information regarding G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the g20 leaders summit for the first time in the country in this year. that is 2023. the nation is deeply committed to democracy and multilateralism. india's g20 presidency would be a watershed moment in its history as it seeks to play a very major role by finding pragmatic global solutions for the well-being of everyone.

लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है एक मकान में जिसमें हम रहते हैं हमें पता होना चाहिए उसमें हीट सही है या नहीं है उसमें कोई इरोजन तो नहीं हो रहा है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस टॉपिक इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड दैट वी शुड अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ सो मैं चारों तरफ देखो आप स्क्रीन पर uh, बहुत सारे जीव जंतु जो दिखाई दे रहे हैं

और सबसे पहले उन्होंने कॉर्क के अंदर ये देखिए कॉर्क सेल के अंदर इन्होंने देखा कि देर आर सेल्स उन्होंने सेल इसलिए दिया कि ये चारों तरफ से कंपार्टमेंटलाइज है चारों तरफ से घिरी हुई है कुछ ऐसे होल्स बने हुए हैं लेकिन इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी इसके बाद में नेक्स्ट जो आया दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आजकल हमारे स्कूल्स में बच्चे भी देखते होंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अब हमने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली सेल कैसी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं ये इसकी आई पीस है जहां आँख से अपन देखते हैं ये स्टेज है ये इसका आर्म है और ये बेस है ये इल्यूमिनेशन का सोर्स है सब आ, हम लोग आज परिचित हैं मेरी भी जब मैं छोटा था तो इच्छा थी कि एक माइक्रोस्कोप मेरे पास होना चाहिए जिसमें पूरे जीवन को देखता रहूं एंड आई वाज वेरी लकी मेनी माइक्रोस्कोप टू सी सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक

उसके बीच में एक केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है अब तो बच्चे छठी क्लास से जानने लगे हैं न्यूक्लियस क्या होता है और फिर एक चलता गया ये किस्सा चलता गया फिर दो जर्मन साइंटिस्ट थे श्लीडन एंड शुान उन्होंने ये कोशिश की कि क्या पता लग लगाए कि सारे जीव जंतु सेल्स के बने होते हैं तो उन्होंने देखा यस ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स तो सेल की थ्योरी उन्होंने दिया कि सभी जीव जंतु फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट व इसने 1855 में बताया कि इस सेल ऐसे नहीं है कि कोई जमीन से निकल के आ गई आकाश से गिर गई ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं सो so, ये इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है सो यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी देखिए स्मूथ मसल सेल से जो अपनी स्टमक में पाई जाती है ब्लड सेल है ये नर्व सेल है ये फैट सेल्स हैं जब भी हम बॉडी uh, के अंदर फैट डिपोजिशन होता है बोन के अंदर इस तरह की सेल्स पाई जाती है स्पम्स हैं ओवम हैं दीज आर वेराइटीज ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी है तो सेल्स ही सो बेसिकली so तो दीज आर ऑल सेल्स तो इसके बाद में अब ये एक छोटा सा एक्साम्पल है कि जस्ट लाइक ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ईटे दिखाई दे रही है यहां पर इसी तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स ये हमारे यूनिट्स से हैं सेल्स से हैं ये दिखाई दे रहे हैं एंड ऑन द राइट एंड साइड आई एम शोइंग यू दैट द एंटायर ह्यूमन बॉडी हैज गॉट वेराइटीज ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन कहीं हमारे हार्ट के अंदर सेल्स से हैं कहीं स्टमक के अंदर सेल्स हैं कहीं और दूसरी जगह पर सेल्स से हैं तो सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बट दीज आर सेल्स अब बात आई कि बच्चों ने पूछना शुरू किया कि सर सेल्स बैक्टीरिया भी सेल्स है क्या यस इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल जिसके एक अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है डॉट फॉर्म जैसे अपने दिखाई देता है परंतु जितने भी आगे जीव जंतु बने उनके अंदर यूकेरियोट्स है यूकेरस का मतलब न्यूक्लियस बिल्कुल फिक्स मैं अभी दिखाऊंगा जो एक पूरा डॉट की तरह से दिखाई देता है अब एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि आप ये देखें खुद देखें कि सेल्स कैसे दिखाई देती हैं एक छोटी सी प्रयोगशाला है ये नाइन्थ स्टैंडर्ड की लैब की प्रयोगशाला मैंने यहाँ पर दिखा रखी है जिसके अंदर एक माइक्रोस्कोप है कुछ रेजेंट्स है बोटल में ये स्लाइड है वॉच ग्लास है ब्रश है और इसके अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनियन रूट ऑनियन के अंदर पील जो होता है ये जो मैं ओनियन जो लेकर आया हूँ इस ओनियन के अंदर आप यदि निकाल ले तो एक पील निकल के आएगा जैसे ऑनियन को मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसके अंदर एक पतली सी लेयर निकल निकल के आएगी और ये पतली सी जो लेयर निकल के आ रही है ऑनियन की देखो तो ये मैं इसको जैसे मोटा हिस्सा तो निकाल दिया ये बच्चे कर सकते हैं इस तरह से एक पतली सी लेयर जैसे मैंने फोर्सअप से निकाली ना इसको लिया और इसको वाच ग्लास में रख देते हैं जो मैं आप दिखा रहा हूँ कि आपको एक ये प्रयोगशाला के अंदर एक ये अनियन है इसको आपने काटा एक वाच ग्लास लिया एक ड्रॉपर है ये चीज़ें आप करके स्वयं देखें बहुत अच्छा लगेगा आनंद आएगा और कुछ नहीं करना है ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था इसमें ऑनियन में ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि फोरसेप से एक पील लिया उसको एक वाच ग्लास में डाल दिया वाच ग्लास में इसलिए डाल दिया कि जिससे कि फोल्ड ना हो सूखे नहीं फिर इसके बाद में एक बूंद पानी के साथ में इसको एक स्लाइड पर रख लिया ग्लास स्लाइड होती है और ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद में थोड़ा सा स्टैंड सेफरीन नाम का एक स्टैंड होता है जो उसको कलर कर देती है उससे अच्छी तरह से दिखाई देते हैं फिर उसको कवर स्लिप से ढक दो ये बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको पता लगता है कि वाह ये तो आनंद आ गया सेल दिखाई दे रही है कितनी खूबसूरत सेल दिखाई दे रही है ये मैंने खुद ने करके देखा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप स्वयं भी ये कर सकते हैं और देखिए ये कैसी बढ़िया ये अनियन ये देखिए अनियन जो है ये स्क्रीन पर आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है ये अनियन के हर हिस्सा हर पील जो है वो इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का बना होता है और ये जस्टिफाई करता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेल्स इसी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में पाई जाती हैं नाउ आई गो नेक्स्ट अब ये पता लगाना चाहिए कि बैक्टीरिया सेल है ये इनकी क्लास के अंदर दिया है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट ए बैक्टीरिया सेल जिसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं मैंने बताया प्रोक का मतलब कि जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो इसका सेल का साइज बहुत छोटा होता है जनरली एक से दस माइक्रोमीटर का होता है बैक्टीरिया का बहुत छोटा साइज होता है एक से टेन माइक्रोमीटर परंतु अपनी जो यूकैरियोट्स में जिसमें हम भी आते हैं उनकी सेल साइज पांच से हंड्रेड माइक्रोमीटर होती है जैसे बड़ी सेल होती हैं एग ओवम नर सेल बड़ी लंबी सेल्स होती हैं फिर न्यूक्लियर रीजन बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता है ये खाली छोड़ रखा है बट वी कैन आंसर द न्यूक्लियर रीजन इन दी प्रोक बैक्टीरिया में अनऑर्गेनाइज होता है अंदर बिखरा पड़ा रहता है वेयर एज इन अवर केसेज इन दी आर यू केरियोड ह्यूमन बींग इज ऑल्सो यू के हमारे अंदर ये कंफाइंड होता है क्रोमोसोम सिंगल होता है हमारे यहां पर मल्टीपल जैसे अपने यहाँ तेबिस जोड़ी पाए जाते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हार दे रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एबसेंट इन बैक्टीरिया बट इट इज प्रेजेंट इन अवर केस ये सब मैं दिखाऊंगा आपको जिससे कि आपको ये सब बच्चों को जानकारी मिल जाएगी भाई हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है सो व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सेल बनी किस चीज़ की होती है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं देखिए ये टॉपिक की जरूरत न केवल ये समझने के लिए परंतु ये जानने की है कि हमारा पूरा बॉडी विभिन्न प्रकार की सेल्स का बना होता है हम कभी भी अनायास ठीक तरह से खाना नहीं खाते हैं पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं या हम कोई रेडिएशन्स लेते हैं पोलिटिन लेते हैं या गलत मेडिसिन लेते हैं हमारा सारा सिस्टम सेलुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वील हैव टू टेक प्रिकॉशन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ लोग बाग बहुत हायर लेवल तक के कंफ्यूज़ करते हैं व्हाट इज सेल व्हाट इज़ मेड अप ऑफ ये एक सेल आपको जो दिखाई दे रही है आप इसके अंदर साइटोप्लाज्म कहाँ है प्रोटोप्लाज्म कहाँ है न्यूक्लियस कहा है और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर होता है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि साइटोप्लाज्म जो होता है ना ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना ये लिक्विड हिस्सा बिसाइड्स ऑर्गेनल्स uh, ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में शामिल नहीं होते हैं दैट इज ए फ्लूड पार्ट दैट इज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं और ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन आल्सो बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस में गलत जवाब दे पाते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लाज्म यानी कि बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं रिपीट कर रहा हूं कि साइटोप्लाज्म वो एरिया है दैट इज अ फ्लूलिश एरिया जिसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं परंतु ऑर्गेनल्स उसमें शामिल नहीं किया जाते जैसे माइटोकोट्री है, है लाइसोसोम्स ये सब न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं तो प्रिय स्टूडेंट्स आप आगे की क्लास में कभी भी इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना करना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आपको एक, अभी एक वीडियो के जरिए बताऊंगा कि आप किताब में अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन करते करते सेल आपके पास में आ जाएगी थ्री डी के अंदर दीज डेज देर आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी विद्स अस जैसे ये भी एक एनिमल सेल का एक वीडियो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ तो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बेसिकली जो ये प्लांट सेल्स हैं देखिए दिखाई दे रही है प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती है सेल वॉल पाई जाती है है ना इसलिए पेड़ जो मजबूत होते हैं इनके अंदर नॉर्मली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया वायरस इन पर वो अटैक नहीं कर पाते हैं परंतु तो इनके अंदर कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है इनमें पाई जाती बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं इनके अंदर एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज गोल्डी बॉडी है माइक्रोकोन है लाइसोसोमस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारी सो so, एक बेसिक डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद में आपको पता लग जाता है कि दिस इज ए प्लांट सेल एंड दिस इज एन एनिमल, 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 एनिमल सेल अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये सेल मेम्ब्रेन है देखो, से ये देखो चारों तरफ से मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये अपने अंदर सब्सटेंसेस को कैसे जैसे मैंने खाना अभी खाया खाना अंदर कैसे जाएगा तो देर इज ए परमिएबिलिटी बट दैट परमिएबिलिटी इज ए सेलेक्टिव परमिबिलिटी यानी कि कुछ चीजें ही अंदर जा सकती हैं हर चीज अंदर नहीं जा सकती है. तो एक छोटा सा प्रयोग है जो मैं आपको करके बताता हूं कि हमारी प्लाज्मा मेमब्रेन है उसको ये बुक में भी दे रखा है कि ये किशमिश है रेजिस्टो बोलते हैं किशमिश मैं डाल रहा हूँ इसमें और देखो इसमें किशमिश डाल दी और ये सिंपल वाटर है है ना और जितनी किशमिश इसमें डाली इतनी किशमिश मैंने दूसरे ग्लास में भी डाल दी है ना ध्यान दीजिएगा परंतु इसमें किशमिश के अलावा मैंने शुगर भी डाल दी देखो मैं शुगर डाल रहा हूं इसमें शुगर डाल दी और बापरे खूब शुगर आ गई और इसको अच्छा सेचुरेटेड बना देते हैं शुगर की मात्रा काफी डाल दी ठीक है अब ये ये शुगर सॉल्यूशन हो गया जी। और ये शुगर सॉल्यूशन है और ये इसमें कोई शुगर नहीं है और ये जिसमें सिंपल वाटर है ये कुछ घंटों के बाद में फूल जाती है अपने घरों में भी देखते है ना, पर, मतलब हैं ना मतलब किशमिश डालते हैं उसको सो कर लेते हैं तो वो पानी जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाता है अंदर क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है अंदर ज्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है तो पानी बाहर से अंदर जाता है परंतु यदि शुगर ज्यादा ले लिया आपने यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी शुगर की तो अंदर सेल का भी पानी बाहर निकल के आ जाता है तो दूसरे वाले ग्लास के अंदर ये किशमिश पिचक जाएंगी जो अभी मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूं कि ये पिचक गई किशमिश ये हो गया देखिए ये पानी है ये जो आपके सामने है तुरंत हमारे स्टूडियो ने हाथों हाथ जो है वाटर को और कॉन्सेंट्रेटेड शुगर को दिखा दिया कि ये फूल गई इस पानी के अंदर है ना समय लगता है ऐसा नहीं है कि आप पांच मिनट में डालें तुरंत फूल जाए हाँ कुछ चार पांच घंटे और नाइट हम रखते हैं और ये फूल गई तो ये एक प्रयोग दिखाता है कि हमारे जो शरीर के अंदर सेल्स पाई जाती है उनकी मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल सेमी परमिएबल होती है प्लाज्मा मेमब्रेन और ये देखो ये मैंने हाथ में उठा लिया ये पहले वाले ग्लास है इसके अंदर उपस्थित किशमिश थी देखो कितनी फूल गई और दूसरे वाले ग्लास की किशमिश पिचक गई जितने थी, थी ना उससे भी ज्यादा पिचक गई तो एक छोटा सा प्रयोग मैं स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि वो अपना करके जरूर देखेंगे और ये खुद जानेंगे कि हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती हैं इन सेल्स में देखिए एनिमल सेल्स हैं इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं ये गोल्जी बॉडी है कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले जैसे अभी मैं मेरे को आप बताएंगे कि थोड़ा सा अचार रखा है मुंह में पानी आ जाता है ना ये पानी आ जाता है पानी नहीं सलाइवा आता है और कहाँ से आता है इसके लिए ही हमें घुमा रहा हूँ ये जो मुंह आ रहे हैं

नहीं, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं हम जानते हैं ना ट्वेंटी थ्री पेयर्स क्रोमोसोम में आजकल तो सब जानने लगे क्रोमोसोम अच्छे होने चाहिए जीन्स अच्छी होनी चाहिए जीन्स अच्छी होंगी तो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छे होंगे कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो ये अब मैं जैसे एक बुक पर ये सेल का डायग्राम है अल्बर्ट्स की किताब में ये फ्रॉग रखा हुआ है एक मैंने प्लांट रखा हुआ है और इनसे पूरा सेल चलता हुआ कैसे आएगा मैं अभी एक छोटा सा वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आप देखें वाह कितना अच्छा ये जो है ये ये देखिए ये बुक है जी। बुक के साथ में ये प्लांट है वो एनिमल था और यहीं पास में एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है और ये प्लांट सेल दिखा रखी है एक एनिमल सेल है। ये उठ के आ जाएंगी ये एक ए आर टेक्नोलॉजी है ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है कि आपके पुस्तक के अंदर जो भी चीजें हैं सी hmm. आई टी स्टूडियो ने सी आई टी की टीम ने मैं भी उसमें शामिल हूं ये हमने डेवलप किया सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी और ये आपको पूरा चलता हुआ दिखाई देगा इसी तरह से आप ये दूसरा जो वीडियो है इसके अंदर भी यही दिखाया हुआ है कि कैसे हम अपनी जो बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखी हैं उसमें से सीधी उस स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए माइक्रोस्कोप रखा हुआ है अभी मैंने रूट टिप दिखाई थी तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखो ये सह आपके हाथ में आगे आप इसको चारों तरफ से घुमा के देख सकते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का पूरा नेटवर्क दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडीज दिखाई दे रही हैं ये सारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत अच्छी तरह दिखाई देती हैं इसी तरह से देखिए अब ये

ये डीएनए आ गया और आपके फर्श पर आ गया आपके प्रयोगशाला के अंदर आ गया सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड नो इन आवर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स सो आई थिंक वी वी कुड डेमोन्स्ट्रेट सो मेनी थिंग्स इन दिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द लास्ट कंपोनेंट दिस लास्ट कंपोनेंट इज हाउ टू कंपेयर ए प्लांट सेल विद द एनिमल सेल तो देखिए ये ग्रीन ये बहुत अच्छी स्लाइड में तैयार करके लेकर आया हूं आपके लिए ग्रीन हिस्सा है प्लांट सेल का है और ये ब्लू हिस्सा एनिमल सेल का है ये बीच में कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिया सिर्फ एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स ये तो कॉमन है प्लांट में पाई जाती है एनिमल में भी परंतु सेल वॉल लार्ज वैक्यूल क्लोरोप्लास फ्लैजिला दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट वेयर एज नो सेल वॉल स्मॉल और नो वैक्यूल नो क्लोरोप्लास दीज आर प्रेजेंट इन दी दी जार दी सर बहुत बहुत है आपका आज हमारे साथ इस सत्र में बने रहने के लिए और इतनी खूबसूरती से हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे लगता है की पढ़ाई करने का ये सबसे दिलचस्प तरीका है की हम वीडियो के माध्यम से पढ़े हम ऑडियो के माध्यम से पढ़े क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज है शायद बच्चों को वो इतनी मजेदार नहीं लगती सही और आजकल के समय में जब बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं तो वीडियोस से जितना बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाए जैसे आज की भी हमारी क्लासरूम बहुत इंटरेस्टिंग हो गई तो हमारे टीचर्स भी इससे एक नोट ले सकते हैं की उन्हें ऐसे ही पढ़ाना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल सिमरन जी आपने सही पकड़ा मैं बच्चों से जब डिस्कस करता हूँ ना तो जब उनको देखता है जैसे आपकी बुक में सहल और उठ के आपके सामने आ गई आप उसको घुमा के देख रहे हैं तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता so है।, objects, exactly. देता है किस पर काम करना बिल्कुल सर आपके कीमती समय के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक और जितने भी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे थे साइंस का मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सत्र आपके लिए भी बहुत ही दिलचस्प साबित हुआ होगा अपना फीडबैक आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं एनसीआर ऑफिशियल के कॉमेंट सेक्शन में इसके अलावा यदि टेलीविजन के माध्यम से आप हमारा यह सत्र देख रहे हैं तो हमारा एक कॉन्टेक्ट uh, नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है और एक मेल आई भी और जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए G20 से जुड़ी हुई वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 ट्वेंटी एंड विल कन्वीन कन् जी ट्वेंटी द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर That is 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in its history as it seeks to play a very major role by finding pragmatic global solutions for the well being of everyone and in doing so manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. Thank you to all the viewers for connecting with NCRE for this particular live interactive session. Stay tuned and keep watching Evidya channels. We'll be right back within another few minutes. Namaskar. Namaskar. Thank you.